1985 की एक फिल्म है, हम दोनों, इंडियन मूवी। बेसिकली ये कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कास्ट में है राजेश खन्ना, डुअल रोल में है। उनके साथ हैं हेमा मालिनी और रीना राव। ये फिल्म मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें जो एक्चुअल कॉमेडी फिल्म जैसी बननी चाहिए वो दिखाया गया है। आजकल की जो कॉमेडी मूवीज हैं वो बेसिकली जोमानी जुमले, फहश अल्फाज का इस्तेमाल, चीप एक्टिंग, ऑकवर्ड पोजीशंस, इसको कॉमेडी का नाम दिया गया। जो एक चीज मिसिंग है आजकल की कॉमेडीज में वो है क्लास। मैंने तो काफी काफी सालों से कोई भी अच्छी फिल्म नहीं देखी जिसको मैं जनरल कॉमेडी या जिसे मैं सेकंड टाइम देखना चाहूँ। ये द बेस्ट वे टू जज अ कॉमेडी मूवी इज कि आप उसे अगेन एंड अगेन कितनी मरतबा देखना चाहेंगे। हम दोनों की जो सबसे बेस्ट बात है वो है इसकी नीट एंड क्लीन कॉमेडी। इसमें जोमानी जुमलों का इस्तेमाल नहीं है, इसमें ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं बट उस लेवल की नहीं है जो आजकल हमें दिखाया जाता है। आप मेरा मुआयना करेंगे? ये क्या करेंगे? मेरा मतलब है चेकअप। कहानी सिंपल है। हम शक्ल राजेश खन्ना एक डॉक्टर है, दूसरा जो है वो गलियों में घूमने वाला मवाली टाइप। उसे जब पता चलता है कि उसका हम शक्ल एक डॉक्टर है तो वो सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह पे जाऊं तो उसकी दौलत पर काबिज हो सकता हूँ। फिल्मी कहानी, बेसिक सिंपल एंड नथिंग टू मच टू इट। ये लीजिए, ये क्या है? आज का कलेक्शन 5,000 रुपए। हाँ यस सर, यस, इसे बैंक में रख दो। ओके सर। देखा राजा, इसे कहते हैं राम की लीला। सूरत तो एक जैसी बना दी मगर तकदीर उसकी 5,000 और अपनी 5 भी नहीं। सी द डॉक्टर पार्ट ऑफ राजेश खन्ना इज अनबिलीवेबली वेल। वो एज अ मोटा मवाली भी लुकिंग फाइन, बट द वन गायब दिमाग डॉक्टर जो है दैट इज फ्लॉलेस। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि इसमें राजेश खन्ना की कॉमिक स्किल्स, समथिंग जिसे बहुत से लोग शायद ना जानते हो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? समझ गया। क्या समझ गए? कहीं आपका मतलब वो तो नहीं कि मैं उम्मीद से हूँ? हाँ, आप उम्मीद से हैं, आपकी सब उम्मीदें पूरी होंगी। अल्लाह, डॉक्टर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। दिस मूवी इज हिज बेस्ट एक्टिंग इन कॉमिक। कौन सा महीना है? दूसरा, तीसरा। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। 8 साल के बाद नवाब साहब सुनेंगे तो कितने कितने खुश हो जाएंगे। अल्लाह। इसमें कोई मिस्टर बीन या चार्ली चैपलिन टाइप की कॉमेडी नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी है। अल्लाह आपको और तरक्की दे। माफ कीजिए, आपकी फीस 40 रुपीज। इस खुशी के मौके 100 ही रख लीजिए। जनरली से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजेश खन्ना मूवी एक्टिंग वाइज, एंड स्पेशली चूंकि ये कॉमिक है तो राजेश खन्ना इन अ कॉमिक मूवी, आई डोंट नो, मे बी इस फिल्म को सम
sort of award मिलना चाहिए था for the comic act of Rajesh Khanna alone. ये पैसे बैंक के लिए नहीं है, ये दवाई के लिए है. By the way, ये कितने हैं? 7,000. ये भी दे दो, मैं रख लेता हूँ. जैसे आपकी मर्जी. क्यों? हमारी मर्जी पसंद नहीं आपको. इस मूवी के बेस्ट पार्ट्स में से जो हॉस्पिटल के सेगमेंट्स हैं, जिसमें राजेश खन्ना अपने पेशेंट्स को देखता है, उसका अपने हॉस्पिटल में अपने कलीग्स के साथ या उसके जो जूनियर स्टाफ है उनके साथ, दोज आर सो मच जॉय कि यू जस्ट हैव टू सी कि सिंपल थिंग्स में कॉमेडी कैसे बनी जाती है. You don't have to do an awkward stunt to get a comedy. Comedy या किसी को हंसाने के लिए लाजमी नहीं कि बहुत ज्यादा जोकर बने, बहुत ज्यादा उठ पटांग बातें, ज़ोमानी फाश गुफ्तगू. नो, सिंपल थिंग्स. कौन सा नंबर लगाया? कौन सा नंबर लगाया? पहले कभी लगाया था? 3, 2, 5, 8. गधे हो तुम. गधा टट्टुओं पर पैसे बर्बाद करते हो. घड़े लगा घड़े. हम तुम्हें बताते हैं, जैकपॉट जाके लगा दो. 3, 13, 9, 18 पाओ 12. सर, जैकपॉट की रेस का टिप आप दे रहे हैं. 3, 13, 9, 18 पाओ 12. हो जा 9, 2, 11. अरे वो मारा टिक. इट अमेजेस मी कि ये इतनी अच्छी फिल्म क्यों हाईलाइट नहीं हुई इतनी ज्यादा. ये फिल्म मैक्सिमम देख के लगता है कि ये 80 के दहाई के स्टार्ट में बनी थी, 1980, 81, maybe 82 तक. लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्लिप्स आते हैं जहां पे आप राजेश खन्ना को देख के बता सकते हैं कि ये 1982 का राजेश खन्ना नहीं है, ये मच लेटर 1985 का है. सो जो गैप बीच में है 2-3 सालों का, दैट इज विजिबल. सो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये टाइम पे कंप्लीट ना हो सके, जिससे किसी भी वजह से, आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है. और जब 2-3 साल के बाद इसको कंप्लीट किया गया तो शायद फिल्म बनाने वालों की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी. देखो मैंने तुझे शहर की मैम बहुत पसंद है ना, देख मैम लगती है या नहीं. बिल्कुल बंदरिया लग रही है. कवर निकाल, पूरी स्त्री खराब कर दी. ये स्त्री तो अच्छी है ना. Maybe के फिल्म के डिले होने की वजह ये थी कि रीना राय, जो कि फेमसली उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी अपने पीक पे एंड मोहसिन खान से शादी की, अनफॉर्चुनेटली शादी नाकाम हो गई. तो maybe that was the reason के फिल्म टाइम पे कंप्लीट नहीं किया गया एंड देन इट हैड टू बी कंप्लीटेड आफ्टर 3-4 years. सो मे बी उस वजह से ये फिल्म उतना इंटेंसली हाईलाइट नहीं हो सका है मेन स्ट्रीम में, एंड बहुत से लोगों को इवन इसकी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता. तेरी रानी मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया. हाँ, तो फिर जो पसंद है वही सिखा देना. राम कसम, जो कहेगा वही करूंगी. वही करेगी? यस यस. 1985 तक हेमा मालिनी आई थिंक 37 साल की हो चुकी थी. सो कुछ ऐसे सीन हैं जिसमें इट इज सो विजिबल कि 37 साल की हीरोइन जो है वो क्यूट लगने की कोशिश में है. आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, हेमा मालिनी 37 साल की एज में भी आजकल की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उन सबसे ज्यादा गुड लुकिंग है, बट एज अ क्यूट कपल नाउ 37 साल इज अ बिट टू मच इवन फॉर हेमा मालिनी. बॉक्स ऑफिस में इसने अच्छा बिजनेस किया था, बट आई डोंट केयर अबाउट बॉक्स ऑफिस. आई डोंट केयर इसको क्रिटिक्स क्या कहते हैं. द ओनली थिंग आई थिंक इफ मूवी फैन शुड बी वरिड अबाउट कि फिल्म आपको कैसे लगी है. तो हेल विद कि कोई फिल्म क्रिटिक्स क्या कहते हैं या उसके अवार्ड मिली या नहीं, बॉक्स ऑफिस में हिट या फ्लॉप है. यू आर द बिगेस्ट क्रिटिक, यू आर द बिगेस्ट जज. इफ यू लाइक इट, आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आपका टाइम जाया नहीं हुआ, सो इट्स अ गुड मूवी.
doesn't matter, कोई क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, या कोई someone else क्या कहता है। हाँ रूडिया, चलो ना शेखर, बोर मत करो ना यार। देखो लता, ये मेरे पेशेंट्स को देखने का वक्त है। My foot, जब देखो मरीज बीमारी, कोई खांसता है, कोई छींकता है, तुम क्या बोर नहीं होते हो? Look, look, look लता, this is my profession, ये मेरा पेशा है। It's an amazing movie and comedy movies ऐसी ही बननी चाहिए। I think कि आजकल तो ऐसी फिल्म बन ही नहीं सकती कमर्शियल वजूहत पे, एंड जो हम आदि हो गए हैं वो चीप जोक्स, चीप एक्ट, लेडीज की जो ऑकवर्ड ड्रेसिंग है, मिनिमाइज ड्रेसिंग, आई मीन कम ऑन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है क्या? एंड ऑब्वियसली राजेश खन्ना जैसा एक्टर जो है वो कहाँ से लेके आएंगे? आदाबर से डॉक्टर साहब। सपोज इफ यू हैड अ बैड डे एट द ऑफिस, कम होम, इफ यू आर अलोन, डाउनलोड दिस मूवी, वॉच इट। द बेस्ट वे टू एंजॉय दिस फिल्म इज के अपने कॉमन सेंस और लॉजिक को कीप एट वन साइड, प्ले दिस मूवी एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसमें से कोई इल्म के खजाने निकालेंगे। जस्ट वॉच राजेश खन्ना एंटरटेन यू विद सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी बातें। इट्स एन एब्सोल्यूट फैमिली मूवी, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, अकेले देखना चाहें आप दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं, बट द थिंग इज कि आजकल यू नो जब दोस्त जमा होते हैं तो हल्ला गुल्ला पार्टी का माहौल सा बन जाता है। दिस इज नॉट वन ऑफ दोज मूवीज के जो आपको एक लव आउट लव टाइप की चीज आपको मिले, बट इट्स अ डिसेंट कॉमेडी। So to enjoy it, I would suggest कि आप इसे अकेले में देखें, then ही आप इसको ध्यान से देख के इसके छोटे छोटे डिटेल्स को you can appreciate them. That's the best way कि आप इसे enjoy करें। अच्छा सुनो, अब तुम टेलीफोन करके अपना टेलीफोन का बिल लंबा मत करो, पार्टी को लंबा करो और तुम भी लंबे हो जाओ। बाय। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? फन फैक्ट अबाउट दिस मूवी कि इस मूवी में राजेश खन्ना ने जो टू पीस थ्री पीस सूट्स का जो स्टाइल किया था बैक इन 80s, दैट वाज अ ह्यूज हिट। ओए, यस सर, टिक टिक। बोलगा दूसरा रख लिया क्या? ओ तुम ही हो? मैं हूं। थैंक यू सर। टिक मेरा कमरा क्यों नहीं साफ किया? साफ किया है साहब? झूठ बोल रहे हो। माँ कसम साहब, चलकर देख लीजिए साफ किया है। दिखाओ। देखिए, आइए आइए। इस फिल्म की चंद जो एक चीजें जो कि अच्छी हो सकती थी वो इसमें गाने ओके टाइप के हैं, बहुत ज्यादा कोई आइकॉनिक गाने नहीं है। सो राजेश खन्ना की फिल्मों में लाजमन एक आध गाना ऐसा होता है कि जो आपके जहन में रह जाता है। इस मूवी के गाने जो हैं somehow उस लेवल पे नहीं। एंडिंग ऑफ दिस मूवी थोड़ा सा क्लीशे टाइप है, टिपिकल इंडियन बॉलीवुड मूवी स्टाइल। सो इफ यू कैन निगलेक्ट द एंडिंग, उसको आप इफ यू कैन निगलेक्ट, एंड इफ यू कैन निगलेक्ट कि ये फिल्म कैसे 3-4 साल के वक्फे के बाद मुकम्मल किया गया, तो आई थिंक यू विल एंजॉय इट। इस फिल्म में छोटे छोटे बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो सो जॉयफुल हैं कि यू वांट टू सी देम अगेन। लेकिन जो सीन या जो सेगमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और मैं मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ वो है दिस वन।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर. कहां से बुखार है तो इधर, इंजेक्शन लगाना तो उधर. हाँ कहिए. दर्द है कहाँ? यहाँ. यहाँ ठहरिए जरा, मैं नर्स को बुलाता हूँ. नर्स की क्या जरूरत है? मेरा इलाज नर्स नहीं कर सकती है, सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है. इसकी क्या जरूरत है? हाथ से देखिए. वो क्या है कि दरअसल मेरी उंगली जो है बहुत दर्द कर रही है. ओ क्या नाम है तुम्हारा? बसंती. टांगे वाली. कैसा है? बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल बसंत बहार की तरह है. एग्जामिन नहीं करेंगे? या ऑफकोर्स ऑफकोर्स, फॉलो मी, कम कम कम. इफ यू लाइक राजेश खन्ना और हेमा मालिनी और रंगा राम, सो इट्स अ मस्ट सी. प्लीज चेक इट आउट एंड यू विल एंजॉय. इट्स अ हिडन जेम. ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है एंड समहाउ लोग इसको भूल से गए हैं. आई विश के लोग इसे देखें क्योंकि ऐसी मूवीज आजकल नहीं बनती. आप इसे देखिए, आपको शायद गुस्सा भी आए कि आजकल क्यों ऐसी मूवीज नहीं बनती. व्हाट द हेल हैपेंड कि आजकल हम जो ये नॉनसेंस स्टफ देखते हैं चैनल्स पे, मूवीज, इंडियन मूवीज. राजेश खन्ना के इस मास्टरपीस कॉमिक मूवी को मैं दूंगा 8 out of 10. सो डेफिनेट गो हेड, इसको लाजमन आप देखें जब भी मौका मिले. अब के टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.